स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमने दी गई स्टेटमेंट को हल करना है। इसमें हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नंबर 1 पे है log 3, इसकी पावर है 2, मल्टीप्लाई है log 2 और इसकी पावर है 81। इसी तरह से हमारे पास है नंबर 2 पे log 5, इसकी पावर है 3 और मल्टीप्लाई है log 3 और इसकी पावर है 25। इसको हमने हल करना है। हल करेंगे हम लॉज जो हमने पढ़े थे उनके मुताबिक। अकॉर्डिंग बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम, सबसे पहले स्टेटमेंट को हम फ्रैक्शन में करेंगे। लॉ के मुताबिक हमने दी गई स्टेटमेंट को फ्रैक्शन में किया है। हमने जो पावर में हमारे पास है 2, उसको हमने नॉमरेटर में लिखा है और जो बेस में हमारे पास 3 है उसको हमने लॉग लगाकर उसको डिनोमिनेटर में लिखा है। इसी तरह से लॉग 81 और इसी तरह से लॉग 2 जो है वो डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई की कंडीशन है और हम यहाँ पे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस होने से हमारे पास जो स्टेटमेंट बाकी होगी वो होगी लॉग 81 डिवाइडेड बाय लॉग 3। 81 जो है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय लॉग 3। अब यहाँ पे इसको जब हम क्लोज करेंगे, लॉग 3 की पावर है 4, डिनोमिनेटर में हमारे पास है लॉग 3 इज इक्वल, यहाँ पे जो पावर होती है जैसा कि हमने इसको पढ़ा हुआ है कि उसको हमेशा हम लॉग वर्ड के शुरू में लगाते हैं, इस तरह से होगा 4 लॉग 3 डिवाइडेड बाय लॉग 3। अब यहाँ पे नॉमरेटर डिनोमिनेटर से रिड्यूस होगा और हमारे पास आंसर होगा ओनली 4। रिड्यूस होने से हमारे पास आंसर हुआ 4 और ये सेम इसी वे से लिखेंगे इसको, log 3 डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई log 25 डिवाइडेड बाय log 3। अब यहाँ पे रिड्यूस हो गया है log 3 और बाकी रिमेनिंग में हमारे पास है log 25 डिवाइडेड बाय log 5। 25 की फैक्टराइजेशन करने से 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय log 5। अब यहाँ पे log 5 हमारे पास स्क्वायर में है डिवाइडेड बाय log 5। अब जो हमारे पास पावर है स्क्वायर उसको हम log वर्ड के साथ लिखेंगे, 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5। अब यहाँ पे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और हमारे पास जो रिमेनिंग में होगा आंसर वो होगा 2। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी हल हो गया है और ये है इसका आंसर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट।